वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुनी। इस मत विच रतन भी हन जवाहर भी हन अते इस धरती की सब तो वड्डी दात नाम सिमरन है। नाम सिमरन नाल साडी प्रीत पै जावे। मन करके टै करके मंगते बन के श्री हर गोबिंद साहब जी के चरणों में बेनती करिए। जिन्ना ने एक ताड़वी रनिया जिस दे दूरों तीर ही चलाया है उसने एक मिनट ही सतगुरु जी के दर्शन किते अते उस अंदरों ताड़वी पुनः खत्म हो गया अते उह संत बनिया सिख बनिया। नाम विच गुणूंद हो के जिस अवस्था नूं पहुंचिया सतगुरु जी साढ़े ते भी कृपा करन। कर कृपा देव हो हर नाम। कलयुग विच पुठे सिद्धे सारे काम हो जाते हैं। नहीं हुंदा तां केवल नाम जपन दा ही समय नहीं मिलता क्योंकि कलयुग अंदर नाम जपन दी सब तो वड्डी बाधा ही साडी तृष्णा है, ईरखा द्वैश है। अते जदों पांडवों ने कृष्ण जी नूं कलयुग दे लक्षणां बारे पुछया कि सानूं किवें पता चले कि कलयुग शुरू हो गया है तां श्री कृष्ण जी ने किस तरह कलयुग दे बारे दस्या। एक बड़ी ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तो पहले आप जी अगे बेनती है अगर वीडियो चंगी लगे तो इसनों लाइक अते शेयर जरूर करना। जो चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जदों द्वापर का समा सी कृष्ण जी समय के अवतार सन। एक दिन उन्होंने मुख विचों निकल गया कलयुग का जेड़ा युग आना है। द्वापर तो बाद उसकी नींह रखी गई है। कृष्ण जी कहते हैं कलयुग शुरू हो गया है। अते दूसरी गल उन्होंने मुख विचों निकली इहो जिहा युग आवेगा चरित्र नां की कोई चीज़ नहीं रहेगी क्योंकि कोई नवी चीज़ होनी होवे अते मन विच आउंदा है कि पता लगे कि यह कहो जी होवेगी। कृष्ण जी कहते हैं पैर लग गए हैं, नींह रखी गई है, चरित्र नां की कोई चीज़ नहीं रहेगी। पंजे पांडव खेड़े पै गए कि सानू दसो कलयुग कहो जिहा होवेगा। वह कहन लगे मन दुखी ना होवे, तुसी की लैना है, रब की सृष्टि है, उसने जिहड़े युग बनाने हैं। पांडव कहन लगे नहीं सानू दसो। जदों बहुत खेड़े पै गए तो कृष्ण जी कहन लगे कि सवेरे उठ के अपनी भजन बंदगी करके अरदास करके बेनती करके जिधर भी परमेश्वर तोल देवे, सज्जे तोल देवे, खब्बे तोल देवे, पिछे तोल देवे, जिधर भी तोल देवे, यह बेनती करके तुर पैना कि असी कलयुग नूं वेखना है अते जो जो भी वेखोगे सानू आके दसना, फिर असी दसांगे कलयुग कहो जिहा है। पंजे पांडव बेनती करके जिधर नूं परमेश्वर ने तोरिया अलग अलग दिशा विच चल पए। अते अगले दिन पंजे पांडव कृष्ण जी कोल आए अते आके कहन लगे जी तुहाडे हुक्म मुताबक सवेरे गए सां, तुसां कहा सी आके दसना अते फिर तुहानूं दसांगे कि कलयुग कहो जिहा होवेगा। असी पंजे वक्री वक्री दिशा वल गए सी। जदों कृष्ण भगवान जी ने पहले पांडव नूं पुछया कि तुसीं की वेख्या है तां पहले पांडव ने दसिया कि खेत हरिया भरिया है, वड़ लगी हुई है। एकदम वेखदा है कि जिहड़ी वड़ है उसनूं मुख लग गया है अते उह खेत नूं खा रही है क्योंकि वड़ दा काम तां राखी करना हुंदा है पर उसने तां उल्टा खेत नूं खाना शुरू कर दिता। इह वेख के उह बड़ा हैरान होया। कृष्ण जी पांडवों नूं कहिंदे हन तुसीं नहीं समझे। जदों पांडवों ने कहा कि सानूं कुछ नहीं समझ आया तां कृष्ण जी कहन लगे इहो जिहा समा आएगा जिन्हां दे कोल सारे प्रबंध हन शहरां नूं हर चीज़ नूं संभालण दे, उह ही संभालण की बजाए खाना शुरू कर देणगे। बाणी विचों भी फरमान है राजे पाप कमाव दे उल्टी वाड़ खेत को खाई। कृष्ण जी ने दूसरे पांडव नूं पुछया कि तू की वेख्या तां दूसरा पांडव कहन लगा कि एक हाथी नूं दो सुंडां लगियां हन, एक सुंड नाल घा खा रहा है अते दूसरे नाल मास खांदा पिया है। यह भी एक नवी चीज़ सी कि हाथी नूं दो सुंडां लगियां सन। तां कृष्ण जी ने कहा
कि बहुत सारे न्याकार एहो जिहे होणगे सच्चे बंदे कोलों भी पैसे खाणगे अते झूठे बंदे कोलों भी पैसे खाणगे पर काम किसे दा नहीं करणगे। बहुत लोग एहो जिहे होणगे कि सच कोलों भी माया आ गई अते झूठे कोलों भी माया आ गई। एहो जिहा समय आ जाएगा। हुण कृष्ण जी ने तीसरे पांडव नूं पुछिया कि तू की वेख्या तां उह कहण लगा कि एक हंस है अते उसदे पैरां ते वेदां दी बाणी लिखी है। उसदे जिहड़े पर हन उन्हां उत्ते परमेश्वर दा नाम वेदां दे सलोक लिखे हन। उसदे कोल चोगा भी पिया है हीरे मोतियां दी ढेरी लगी पई है पर हंस हीरे मोती नहीं खा रहा। खंभां ते बाणी लिखी है पर खांदा कीड़े मकोड़े पिया है। तां कृष्ण जी ने कहा कलयुग दे अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होणगे जो प्रचार तां करनगे पर हीरे मोती छड़ के एहो जिहियां चीज़ां खाणगे जिन्हां दी मनाही है अते कहणगे कि इह जायज़ हन। चौथे पांडव नूं पुछिया कि तू की वेख्या तां उह कहण लगा खूह विच्चों इक डोलू भरिया अते 10 कड़े भर गए अते उह 10 कड़े डोलू विच जदों पाए तां उसदा चौथा हिस्सा भी नहीं भरिया। इह सुन कृष्ण जी कहण लगे एहो जिहा समा आ जाएगा एक बंदा कमाउंदा है अते घर दे 10 बंदे खांदे हन। कलयुग विच ऐसा समा आएगा घर दे 10 बंदे कमाउणगे पर पूरी तां भी नहीं पवेगी क्योंकि किसी का खर्चिया ते कंट्रोल ही नहीं रहेगा। पंजवे पांडव नूं पुछिया कि तू की वेख्या तां उह कहण लगा बड़ा वड्डा पहाड़ रिड़दा आ रहा है दरख्तां जड़ियां बूटियां कई कुछ तोड़दा आंदा है अते तीला अगे आ गया उसदे सहारे रुक गया है। कृष्ण जी कहण लगे कलयुग दा पहाड़ कई नुकसान करदा आवेगा कई कुछ तोड़ेगा भन्नेगा कई बुद्धियां नूं भ्रिष्ट करेगा पर कलयुग विच जिस कोल तीले जिन्ना भी नाम दा किनका होवेगा इह कलयुग उसदा कुछ नहीं विगाड़ सकेगा। गुरु तेग बहादुर जी नूं भी किसी ने पुछिया सी सतगुरु जी सारे पदार्थां दे हुंदिया बाल बच्चे महल माड़ियां धन दौलत सब होण दे बावजूद भी मन अशांत क्यों रहिंदा है तां सतगुरु जी ने कहा सी अशांति दा कारण है तृष्णा। तृष्णा बिरले ही की बुझी है कोट जोरे लाख करोरे मन ना होरे परै परै होलू जी है अते जद तक संतोख ना होवे इह तृष्णा नहीं बुझदी बिना संतोख नहीं को राजे अते इह संतोख किवें आउंदा है केवल नाम सिमरन दे नाल अते गुरु दे दसे मार्ग ते चलन नाल। इस लई यही अरदास करनी चाहिदी है तेरी पनै खुदाए तू बखसंदगी सिख फरीदै खैर दीजै बंदगी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।